नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के हेडर और फुटर ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हेडर के बारे में कि हेडर आखिर क्या होता है। आप देखेंगे यहां पर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको एक्सेल इन्फोटेक दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली हमारे चैनल का नाम है, ये आपको टॉप पर दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो नीचे की तरफ भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपको एक्सेल इन्फोटेक दूसरे पेज नंबर पर आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से और नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक्सेल इन्फोटेक यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसे बेसिकली हेडर कहते हैं, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं, जितने भी पेजेस आप लेते हैं, उन सभी पेज पर एक पार्टिकुलर नाम आप चाहते हैं कि वो नाम हमारा प्रिंट हो, तो उसके लिए हम हेडर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हम फुटर की बात करें तो फुटर के लिए आप देखेंगे यहाँ पर नीचे हमने एक फुटर लगाया हुआ है जिसमें आपको पेज नंबर 1 दिखाई देगा, और इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पेज नंबर 2 दिखाई देगा, और इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 3 दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप जितने भी पेजेस यहाँ पर यूज़ करेंगे उन सभी पेजेस का पेज नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, या फिर आप फुटर में कोई टेक्स्ट लिखना चाहें, जैसे हमने एक्सेल इन्फोटेक लिखा हुआ है तो उसी तरीके से आप टेक्स्ट को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर में आप जहाँ भी सेट करना चाहें इसको सेट कर सकते हैं। अब जैसे ही हम हेडर पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो इन सभी ऑप्शन का हम एक एक करके इस वीडियो में यूज़ सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम पूरे डॉक्यूमेंट को क्लियर कर लेते हैं। हम एक नया पेज लेंगे और उसके बाद हम शुरू से लेकर एंड तक आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कंट्रोल एन करते हैं। कंट्रोल एन करने के बाद हमने एक न्यू पेज ले लिया है और यहाँ पर हम इज इक्वल टू कमांड के थ्रू यहाँ पर कुछ पैराग्राफ को इंसर्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर टाइप किया इज इक्वल टू RAND रैंड, और यहाँ पर हम मिनिमम 100 पैराग्राफ्स यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर 100 पैराग्राफ इंसर्ट हो चुके हैं। और उसके बाद हम थोड़ा ऊपर चले जाते हैं यहाँ से स्क्रॉल करके। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे अभी हमारे पास कोई भी हेडर या कोई भी फुटर हमने यहाँ पर नहीं लिया हुआ है। तो हेडर फुटर लेने के लिए हमें जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में आपको दिखाई देगा हेडर का एक ऑप्शन। हेडर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर काफ़ी सारे आपको हेडर के फॉर्मेट दिखाई देंगे, जिसमें से आप किसी भी हेडर का एक फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइटल दिखाई देगा कि आप क्या टाइटल चाहते हैं पूरे हेडर के ऊपर। तो यहाँ पर हम कोई भी टाइटल यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप कर दिया अपने चैनल का नाम, यानी एक्सेल इन्फोटेक। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको डेट भी दिखाई दे रही है। इस डेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने टुडे पर क्लिक किया तो यहाँ पर आज की डेट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई है। और उसके बाद हम बाहर डबल क्लिक जैसे करेंगे तो आप देखेंगे हेडर हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। फर्स्ट पेज के अलावा दूसरे पेज पर भी अगर हम जाएंगे तो ये हमारा हेडर आपको दिखाई देगा। अब आप देखेंगे नीचे की तरफ कोई भी फुटर का हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर फुटर को भी इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट टैब पर जाएंगे वापस से, यहाँ से फुटर को सिलेक्ट करेंगे, और फुटर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम काफ़ी सारे फुटर के भी फॉर्मेट्स हैं, इसमें से कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको पेज नंबर दिखाई दे जाएगा। तो इसी तरीके से आप हेडर और फुटर का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी सभी ऑप्शन का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करके इन सभी ऑप्शन को क्लियर करेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा पेज नंबर का। तो पेज नंबर के लिए आप जैसे ही पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आप कोई भी पेज नंबर का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर टॉप आपको दिखाई दे रहा है, यानी टॉप पर आप हेडर की जगह पर यहाँ पर पेज नंबर चाहते हैं। पेज नंबर आपको कहाँ पर चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, या फिर पेज मार्जिन के हिसाब से चाहिए। इसमें से अगर आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो हमने हेडर यहाँ पर इंसर्ट किया था वो यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पर पेज नंबर आ गया। तो हम वापस से कंट्रोल जेड करके पीछे चले जाते हैं वापस से, और उसके बाद वापस यहाँ डबल क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप पेज नंबर का यूज़ कर सकते हैं, और उसी तरीके से यहाँ पर आपको वही ऑप्शन यहाँ पर भी दिखाई देगा। आप यहाँ से चाहें तो बॉटम पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर मार्जिन के हिसाब से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। करंट पोजीशन के हिसाब से भी आप अपने पेज नंबर को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेज नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो रिमूव पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका पेज नंबर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शन का आप यहाँ पर एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। हेडर और फुटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से आप काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं जिसका आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं।
तो डेट और टाइम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर डेट और टाइम को इंसर्ट किया हुआ है। अगर आप अलग से भी डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखाई देगा। इसमें से आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करके जैसे यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेट और टाइम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसे हटा देते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑथर का नाम, फाइल का नाम, फाइल का पाथ यानी फाइल की लोकेशन, डॉक्यूमेंट टाइटल। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर के आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, कोई ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, या कोई कंपनी का नाम ऐड कर सकते हैं, कोई कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन पर दिखाई दे जाएगा। वहाँ से आप इन सभी ऑप्शन को समझ सकते हैं कि चीज़ें होती क्या है। तो इनमें से कोई भी कैटेगरी आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो ईजिली आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई फील्ड ऐड करना चाहें तो फील्ड भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमने फाइल को अभी सेव नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर फाइल का नाम या पाथ यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। अगर आप ऑथर का नाम ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऑथर पर जैसे क्लिक करेंगे तो ऑथर का नाम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एडमिन है, आप यहाँ से चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इसका भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो हम इसको भी कंट्रोल जेड करके यहाँ से हटा लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्विक पार्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। क्विक पार्ट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप आई बटन से जाकर के देख सकते हैं। क्विक पार्ट में ये सभी ऑप्शंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सेम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, ऑथर्स, फील्ड्स, ब्लॉक्स वगैरह, इन सभी को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन सभी को अगर आप हेडर या फुटर पर ऐड करना चाहें तो इसकी मदद से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप पिक्चर का यूज करना चाहें तो आप अपने हेडर या फुटर पर पिक्चर को भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम इस हेडर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद पिक्चर पर क्लिक करते हैं। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पिक्चर्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें से आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पर इजीली उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो काफ़ी बड़ी है, तो ये आपकी पूरे पेज पर यहाँ पर सेट हो गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, कॉर्नर से पकड़ करके हम इसके साइज़ को यहाँ से छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से इस पिक्चर को छोटा कर ले रहे हैं। छोटा करने के बाद आप इसे उठा करके अपने हिसाब से हेडर के ऊपर ले जा करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हेडर के बराबर। छोटा करने के बाद आप देखेंगे हमारी ये इमेज आ चुकी है। जैसे हम बाहर डबल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पर जैसे हम जाएंगे तो आप देखेंगे हर पेज पर हमें ये पिक्चर दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी का कोई लोगो या कोई भी इमेज यहाँ पर ईजिली एड कर सकते हैं पिक्चर की मदद से। तो हम इसको कंट्रोल जेड करके वापस से हटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑनलाइन पिक्चर का भी एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऑनलाइन नेट से कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसको हेडर की जगह पर या फुटर की जगह पर यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, गो टू फुटर का और गो टू हेडर का। गो टू फुटर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप फुटर पर चले गए, और गो टू हेडर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस से आप हेडर पर यहाँ पे जंप कर जाएंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, बेसिकली अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अभी वर्क नहीं करेगा। बेसिकली ये जो ऑप्शन है हमारा वो सेक्शन से रिलेटेड है, तो पहले हम सेक्शन क्रिएट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे, और बाहर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पेज के बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे। पेज के लास्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम गैलरीज के सबसे लास्ट में क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमें जाना होगा यहाँ से लेआउट वाले ऑप्शन पर यानी लेआउट वाले टैब पर। लेआउट टैब पर जाने के बाद आपको ब्रेक्स में जाना होगा। ब्रेक में आपको दिखाई देगा कंटिन्यूअस का एक ऑप्शन। बेसिकली ये जो कंटिन्यूअस का ऑप्शन है इसका कनेक्शन आपके उस ऑप्शन से है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे हम कंटिन्यूअस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई अभी चेंजेस नहीं हुई, लेकिन जब हम हेडर के ऊपर जाकर के डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले हेडर लिखा हुआ आ रहा था और अब हेडर सेक्शन वन लिखा आ गया। इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका हेडर सेक्शन वन दिखाई देगा, बट यहाँ पर आप देखेंगे हेडर सेक्शन टू आ गया, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया। ये मैटर हमारा टू पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला जो पेज था वो सेक्शन वन हो गया और नीचे वाला जो पेज था वो सेक्शन टू हो गया। अब नेक्स्ट और प्रीवियस का फायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो हम पिछले सेक्शन पर चले जाएंगे, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट सेक्शन पर जंप कर जाएंगे। तो जैसे हमने नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया तो हम सेकंड सेक्शन पर यहाँ पर जंप कर गए हैं, और जैसे हम प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो वापस से प्रीवियस वाले ऑप्शन पर हम जंप कर जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लिंक टू प्रीवियस। लिंक टू प्रीवियस का क्या यूज़ है, लिंक टू प्रीवियस का यूज़ होता है बेसिकली इन सभी फाइल्स का आपस में लिंक होता है। जैसे हम प्रीवियस वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे लिंक टू प्रीवियस का कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप देखेंगे सेक्शन वन के ऊपर आपको यहाँ लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, इसका क्या यूज़ है। और इसके बाद नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे सेकंड सेक्शन पर तो आप देखेंगे लिंक टू प्रीवियस का एक ऑप्शन आपको हाईलाइट हो गया। अब इसका यूज़ कैसे किया जाता है, आप देखेंगे अगर हम सेक्शन वन पर जाते हैं तो हमारा लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन हमें शो नहीं हो रहा है, और अगर हम सेक्शन टू पर यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो हमारा ये ऑप्शन हमें दिखाई देगा। अब इसका क्या यूज़ होता है, तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो हम चले जाते हैं ऊपर सेक्शन वन पर। यहाँ पर हम सेक्शन वन पर कोई भी हेडिंग टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप किया अपने चैनल का नाम, यानी एक्सेल इन्फोटेक। एक्सेल इन्फोटेक टाइप करने के बाद हम बाहर डबल क्लिक करते हैं और नीचे की तरफ जैसे ही हम जाएंगे तो आप देखेंगे सेकंड नंबर पेज पर भी हमारा एक्सेल इन्फोटेक यहाँ पे दिखाई दे गया। बाकी के सभी पेज पर आपको एक्सेल इन्फोटेक यहाँ पे दिखाई दे गया। इसके बाद जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं वापस से इसी सेक्शन पर। सेक्शन पर डबल क्लिक करने के बाद हमें एक्सेल इन्फोटेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरे सेक्शन पर जाने के बाद अगर हम यहाँ से सेक्शन को चेंज कर देते हैं, यानी लिंक टू प्रीवियस वाले ऑप्शन को यहाँ से हम अनलिंक कर देते हैं, यानी इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक की जगह पर हमने यहाँ पर टाइप कर दिया लाइक www.excel-infotech.com। और उसके बाद जैसे हम बाहर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बाकी के जो पेजेस आपको दिखाई देंगे उन सभी पर आपको एक्सेल इन्फोटेक की वेबसाइट दिखाई देगी। और अगर हम सबसे ऊपर वाले सेक्शन वन पर जाते हैं तो वहां पर हमें हमारा पुराना वाला टाइटल दिखाई देगा एक्सेल इन्फोटेक का। इसका मतलब ये होगा कि जो भी हम सेक्शन टू के बाद यहाँ पर लिखेंगे उनका सभी का लिंक बाकी के सभी पेजेस के साथ होगा। तो ये यूज़ होता है लिंक टू प्रीवियस का, यानी कि आप जितने भी सेक्शन डिवाइड करके लिंक टू प्रीवियस का यूज़ करना चाहें यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे अनलिंक कर देंगे तो हमारा जो भी हम यहाँ पर हेडर में टेक्स्ट टाइप करेंगे वो उस पेज पर डिफरेंट होगा और बाकी के पेजेस पर सेम होगा। तो इस तरीके से आप पेजेस को लिंक कर सकते हैं और अनलिंक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिफरेंट फर्स्ट पेज। इसका किस तरीके से यूज होता है, तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारा डेटा हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। कंट्रोल ए करके हमने यहाँ से डिलीट कर दिया तो आप देखेंगे हमारा जो डिफॉल्ट हेडर था वो यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि एक्सेल इन्फोटेक हमारा डिफॉल्ट हेडर था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर वापस से रैन कमांड चला करके पैराग्राफ को इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 100 पैराग्राफ फिर से इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे सभी पेजेस पर वही हेडर आपको दिखाई देगा। उस हेडर के ऊपर हम जाएंगे वापस से, सबसे फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं। और फर्स्ट पेज पर आने के बाद हम ये चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पेज है उसका हेडर बिल्कुल डिफरेंट हो और बाकी के जो हेडर्स हों वो बिल्कुल सिमिलर हों, वो बाकी के बिल्कुल सेम हो। तो उसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए आपको सिंपल इस पर डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिफरेंट फर्स्ट पेज का चेकबॉक्स। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका ये जो हेडर था वो यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज का हेडर आप चेंज करना चाहते हैं। बाकी के पेजेस पर जो आपका हेडर होगा वही सेम आप सिमिलर रखना चाहते हैं, यानी फर्स्ट पेज अलग होगा बाकी सभी का पेजेस आपका सेम होगा। लेकिन जो मैंने इससे पहले आपको बताया था लिंक टू प्रीवियस का, उसका क्या यूज़ था, उसमें आप सेक्शन वाइज डिवाइड करके हर पेज का अलग अलग नाम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना टाइटल टाइप कर देना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर वही सेम अपना फिर से टाइटल टाइप करते हैं एक्सेल इन्फोटेक। एक्सेल इन्फोटेक लिखने के बाद जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट पेज का जो हमारा नाम है वो एक्सेल इन्फोटेक है और नीचे जैसे हम जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे हमारी वेबसाइट यहाँ पर रिप्रेजेंट आपको हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वापस से इस पर जैसे आप टिक हटाएंगे यहाँ से तो वापस से आपका जो डिफॉल्ट टाइटल था वो आपको फिर से दिखाई दे जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा डिफरेंट ऑड एंड इवेंट पेजेस। अब ऑड और इवेंट के बारे में आपको पता ही होगा कि ऑड पेजेस क्या होते हैं, इवेंट पेजेस क्या होते हैं। मैं आपको फिर भी क्लियर कर देता हूँ। जो हमारे ऑड पेजेस होते हैं वो 1357 होते हैं और जो हमारे इवेंट पेजेस होते हैं 246 होते हैं, ठीक है, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या। अब इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, अब जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ऑड पेजेस हैं उस पर मैटर कुछ और आए और जो हमारे इवेंट पेजेस हैं उसके ऊपर मैटर कुछ और आए। अब इसका यूज किस तरीके से किया जाएगा, तो मैं इसको प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाता हूं कि इसका यूज कैसे होता है। तो जैसे हम यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर हमारे सामने ऑप्शन आ गया ऑड पेजेस का, आपको यहां दिखाई देगा ऑड पेज। और जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा इवेंट पेज, यानी इवेंट पेज पर आप जो भी मैटर रखेंगे वो इवेंट पेज पर आपको दिखाई देगा और ऑड पेज पर जो भी मैटर रखेंगे वो ऑड पेजेस पर ही आपको दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको उसको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ऑड पेज पर यहाँ लिखा हुआ है excelinfotech.com, राइट। इसके अलावा अगर हम इवेंट पेजेस पर जाते हैं यहाँ से और इवेंट पेज पर अगर हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सेल इन्फोटेक और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे एक्सेल इन्फोटेक लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट दिखाई देगी। तो बेसिकली इसका यूज़ क्या था, इसका यूज़ ये है कि जो हमारा ऑड नंबर का पेज है उस पर आपको हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है और हमारा जो इवन नंबर का पेज उसमें आपको हमारे चैनल का नाम दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इवन नंबर या ऑड नंबर पर अलग अलग डेटा को ऐड कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने मैगजीन्स या बुक्स में देखा होगा कि एक पेज पर बुक का नाम होता है और दूसरे पेज पर लेसन का नाम होता है या किसी और चीज़ का नाम होता है।
होता है, तो उस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इस पर वापस से डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा हेडर फ्रॉम टॉप। टॉप से आप हेडर को कहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए आप अपने हिसाब से टॉप पे एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसके मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसी तरीके से अगर आप फुटर को एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ से फुटर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फुटर कोई भी लिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर फुटर ऐड कर लेते हैं। हम वापस से जाते हैं फुटर वाले ऑप्शन पर और यहाँ से हमने एक फुटर ऐड कर लिया। फुटर को ऐड करने के बाद यहाँ से आप फुटर को एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आप इसे एडजस्ट करना चाहें आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलाइनमेंट का आपको एक टैब दिखाई देगा। आप अपने फुटर को या हेडर को कहाँ पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अलाइनमेंट दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से सेंटर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कर दिया हमने ओके। तो जैसे हमने ओके किया यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पेज नंबर सेंटर में यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट टैब का यूज़ करके अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। तो उसके बाद जैसे आप क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो मेन्यू खुला हुआ है हेडर एंड फुटर का, वो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर के सभी ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हेडर और फुटर के ऑप्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।